इधर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आज आपके विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की भी गिरफ्तारी हो सकती है। उनके खिलाफ एम्स के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी और मारपीट का केस दर्ज हुआ है। मामला एम्स की जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि भारती ने भीड़ को एम्स की दीवार तोड़ने के लिए उकसाया। दरअसल एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने 9 सितंबर को भारती के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोप है कि भारती के कुछ समर्थक दीवार तोड़कर एम्स में दाखिल हुए। जब गार्ड्स ने उन्हें रोका तो उनके साथ मारपीट की गई। आपको ये भी बता दें कि सोमनाथ भारती पहले भी विवादों में रह चुके हैं। कुछ महीने पहले भारती के खिलाफ पत्नी लिपिका भी घरेलू हिंसा का केस दर्ज करा चुकी है और इस मामले में भारती गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अलावा जब वो कानून मंत्री थे तब उन पर अफ्रीकी महिलाओं से बदसलूकी का आरोप भी लग चुका है। ऐसे में सोमनाथ भारती लगातार विवादों के केंद्र में बने हुए हैं और एक बार फिर से एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदसलूकी का मामला उनके खिलाफ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एम्स की दीवार तोड़ने के लिए वहां मौजूद भीड़ को उकसाया। वहीं सोमनाथ भारती ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि एम्स प्रशासन झूठ बोल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता हो या विधायक हो, उन पर आरोपों की एक झड़ी सी लगी हुई है और सुर्खियों में आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक बने हुए हैं। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज 24।